इको बढ़ाओ दे, इको कमी कर। हेलो बराबर है। हेलो 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 माइक चेक। हेलो हेलो चलो पहले गेंद शनबन गेंद, लेकिन शायद लक्ष्य के बाहर थी, अंपायर ने पैरालाइज किया। पहली गेंद के ऊपर वाइट करार दिए गए अंपायर विनोद देशमुख, एक खूबसूरत अंपायर। वाइट के साथ शुरुआत की गेंदबाज धोनी संघाच्या बारह खेळाडूं ने विनंती असेल प्रदीप ज्योत और सलामी के तौर पे अमित और दिलीप, स्ट्राइकर एंड पे अमित और नॉन स्ट्राइकर एंड पे यहाँ पे हम देख रहे दिलीप। वाइड का इशारा आ चुका है, एक और खराब गेंद, एक और दिशाहीन गेंद, बैक टू बैक दो वाइड गेंदे। इस वाइड के सारे श्री गणेशा हो चुका है, दो रन बगैर किसी नुकसान के। अतिरिक्त रन अगर आप दोगे इतने बड़े मुकाबले में तो फिर आपका मनोबल घट सकता है, और ये नहीं, ये चीज आप नहीं दोहरा सकते, गलतियां नहीं कर सकते, कैचेस ड्रॉप नहीं कर सकते, मिस फील्ड नहीं कर सकते, और सबसे महत्वपूर्ण चीज अतिरिक्त रन जो है वो रोकने की जरूरत है आपको। ये देखिए बैक टू बैक यहाँ पे हैट्रिक हो चुकी है वाइड की, वाइड हैट्रिक के लिए यहाँ पे इनाम नहीं है, नहीं तो आपको मिल सकता था। अब आपने टीम को प्रेशर में डाल दिया आपने, क्योंकि तीन वाइड आ चुके हैं, और यहाँ पे बल्लेबाज जो है वो काफी खुश होंगे क्योंकि वो तीन गेंदें उन्होंने देखी है, आपकी लाइन और लेंथ उन्होंने पकड़ी है, और लाइन और लेंथ के साथ अब वो खामियाजा भुगतने के लिए आप तैयार रहिए क्योंकि बल्लेबाज पूरी तरह से तैयार। ये देखिए लेकिन एज लगा यहाँ पे, भाग्यशाली रहे, जी हाँ बिल्कुल बाहरी किनारा लगा था यहाँ पे, अगर छलांग लगाते विकेट कीपर तो निश्चित तौर पर कैच हो सकता था, लेकिन कहते हैं ना कि सर सलामत तो पगड़ी 50। आपको खुद को मेंटेन करना है, हमने देखा पिछले मुकाबले में एक खिलाड़ी ने छलांग लगाई थी, बोकड़ कसा सोलत बोकड़ अक्षरशः त्या पद्धतीने त्याची अवस्था झाली आहे, तुम्ही पाहू शकता। म्हणून म्हणतो स्वतःच पहिलं संरक्षण करणं खूप महत्वाचं आहे। सर सलामत तो पगड़ी 50 चलते, इस बार मैदान के अंदर फिर से तैयार। अच्छी गेंद, अपील जरूर की लेकिन नकारा अंपायर ने, और काफी अच्छे अंपायर है हमारे साथ भगवान पार्टे जो कि स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका देख रहे, और मेन अंपायर विनोद देशमुख सर कहीं भी मैचेस हो वो पहुंच जाते हैं, बड़े दिल वाला इंसान है, दरिया दिल इंसान जिसे कहा जाता है। ग्रामस्थ श्री गणपत भला साहेब, गणेश भला साहेब आणि दामू भला साहेब हे तिन्ही ग्रामस्थ आमच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले, त्यांना विनंती असेल की आपण कृपया स्टेजवर यायचंय। श्री गणपत भला, गणेश भला आणि दामू भला आपल्याला विनंती आहे, आपण कृपया समालोचना कक्षामध्ये यायचंय। कवेले गावचे ग्रामस्थ रोशनजी, निश्चित तौर पर यह सोच होती है कि एज लगी है नहीं लगी, अंपायर दुविधा में अवस्था में होते हैं, इसकी वजह से वो गड़बड़ हो जाती है, लेकिन मेहमान इतने हमारे पास, देखिए मेहमानों की आज परवनी है हमारे इधर। ये देखिए इस बार बेहतरीन कवर ड्राइव, वन बाउंस टू बाउंस, वहां पे फील्डर गैदर करेंगे, जी हाँ बिल्कुल दो रन बचा है, दो रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर फिर से तब्दीली, टोटल 7 बगैर किसी नुकसान के। थोड़ी सी धीमी शुरुआत हमने देखी है यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, सूझबूझ भरी पारी। इस पहला ओवर जो होता है मैंडेटरी पावर प्ले का, ये फुल टॉस गेंद, लोवर फुल टॉस, वहां पे पूरा पूरा फायदा उठाया, टू बाउंस चौका आ चुका है, पहला चौका इस पारी का, इस ओवर का डीजे। थैंक यू डीजे। ये
मलिक यहाँ पे हल्के हाथ से खेला था आखिरी गेंद थी शायद इस ओवर की। जी हाँ बिल्कुल, बहुत लंबा ओवर ये चालू था लेकिन क्या वापसी की है, तीन बैक टू बैक वाइड डाले थे पहले तीन गेंदों के ऊपर, उसके बाद जो वापसी की, हालांकि पांचवी गेंद के ऊपर एक चौका जरूर बताया था, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ बैक ऑफ हैंड गेंद रखी थी, लेकिन फिर भी तीन वाइड के साथ 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बगैर किसी नुकसान के बीजे। धन्यवाद डीजे, एक मिनट एक सत्कार घेणार आहोत आपण। धन्यवाद डीजे। ग्रामस्थ कविले गावचे ग्रामस्थ श्री गणपत भला, श्री गणेश भला आणि दामू भला साहेब तिघेही आमच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले। मंडळाला विनंती असेल त्यांचं पुष्पगुच्छ श्रीफल देऊन या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे। राहुल पार्टी यांना विनंती असेल आपण पाहुण्यांचा यथोचित सन्मान करायचा आहे। ग्रामस्थ गणपत भला, गणेश भला आणि दामू भला साहेब आपण आमच्या कार्यक्रमाला आलात, कार्यक्रमाची शोभा वाढवली तर आपलं मनपूर्वक आभार रोशनजी। सर यहाँ पे पहली ओवर का खेल खत्म हो चुका है, पहली ओवर यानी कि छह गेंदों के ऊपर मैंडेटरी पावर प्ले। इस ओवर में ज्यादातर डर रहता है गेंदबाज को, खौफ रहता है बल्लेबाजों का, क्योंकि मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर में 30 सर्कल के बाहर केवल दो खिलाड़ी तैनात कर सकते हो आप, उसका फायदा बल्लेबाजों को रहता है, लेकिन इस बार फायदा उठाने में नाकाम रहे दोनों बल्लेबाज अमित और दिलीप टीम की तरफ से। यहाँ पे भी एज लगी लेकिन वहां पे फिर से एक बार भाग्य का साथ मिला, गली का खिलाड़ी और फर्स्ट स्लिप के खिलाड़ी के बीच में वो गेंद गिरी, फिलहाल सिंगल मिला सिंगल के साथ 12 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। टीम देववाड़ी का अगर देखा जाए तो सलामी के तौर पे आए हुए बल्लेबाज अमित और दिलीप अभी भी मैदान के अंदर डटे हुए हैं लेकिन पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पा रहे, अब एक्सीलेटर पे पैर रखना होगा और अंजाम देना होगा बड़े स्कोर के लिए, वो आने वाला वक्त बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, संघर्ष करना होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान को हमेशा आसमां को पाने के ख्वाब देखने चाहिए, सूरज तो मिल ही जाएगा, बड़े ख्वाब देखो। यहाँ पे ओवर हाइट जरूर है और अंपायर का इशारा वाइड, जय बिल्कुल बेहतरीन निर्णय आपका। क्रिकेट के मैदान में अंपायर भगवान होते हैं, भगवान का दर्जा है अंपायर को, जैसे कि लेदर क्रिकेट में पूरे इंटरनेशनल विश्व में हमने देखा कि भगवान 10 नंबर सर सचिन रमेश तेंदुलकर, उन्होंने क्रिकेट की प्रतिभाषा बदल दी थी, उनके एक शब्द ने वो क्रिकेट का इतिहास बदल दिया था, तब जाके उनको मास्टर ब्लास्टर और गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। यहाँ पे लंबा स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड लेकिन फील्डर पहुंच पाया वो फासला तय नहीं कर पाया, यहाँ पे पहला ब्रेक थ्रू दिलाया गेंदबाज विकास चव्हाण में। दरम्यान या स्पर्धेच्या आयोजनाला आमचे पाहुणे श्री गणपत भला साहेब यांच्याकडून 200 रुपयाची देणगी, श्री गणेश भला साहेब यांच्याकडून 200 रुपये आणि दामू भला साहेब यांच्याकडून 100 रुपयाची भेट आलेली आहे त्यांचं मंडळातर्फे मनपूर्वक आभार रोशनजी। इस तौर पे योगेश सर देखा जाए तो यहाँ पे कितने सारे लोग, कितने अतिथि, कितने मेहमान है कईयों के पास तो, लेकिन दिल इतना बड़ा है, पैसा मैटर नहीं करता लेकिन वो दिल से अमीर है, मैं देख रहा हूँ कल से कोई ना कोई कुछ ना कुछ मदद कर रहा है इस श्रृंखला के लिए, तो उन दानशूर व्यक्तियों का मैं तहे दिल से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। फिलहाल मैदान के अंदर दो सिंगल, दो रन मुकम्मल कर ले, कपल ऑफ रन्स उसे कहा जाता है, इस दो रन के बदौलत स्कोर कार्ड के ऊपर 15 आ चुका है एक विकेट के नुकसान पे। ये दूसरा ओवर है, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन थे, एक विकेट भी नहीं गवाया था लेकिन इस ओवर में एक विकेट वो मिला, पहला ब्रेक थ्रू मिला, ऐसा लग रहा था कि वो गेंद बाउंड्री लाइन को छीनती हुई जाएंगी छक्के के लिए, लेकिन वहां पे गैदर कर लिया फील्डर ने, बेहतरीन कैच हमने देखा वहां पे और एक अच्छा खिलाड़ी अमित जो बेहतरीन लय में था उसको वापस पवेलियन में भेजा। इस बार भी करारा प्रहार, सीधे बल्ले से वन बाउंस, गेंद को पकड़ेंगे या नहीं तू तू मैं करते करते वहां पे अच्छा एफर्ट था लेकिन चौका आ चुका है, चौका के बदौलत 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं, 19 लॉस ऑफ वन विकेट।
बाहर। क्या हुआ मैदान के अंदर? एक रन मुकम्मल कर लिया जी हाँ बिल्कुल 22 के रूप में। ओके ओके रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे पेस ऑफ चेंज, गति परिवर्तन देखने को मिला धीमी गति से गेंद पे की। ये ब्रह्मास्त्र है क्रिकेट के इतिहास का। अब दिमाग के साथ गेंदबाजी या बल्लेबाजी, दिमाग के साथ मैदान के अंदर खेलते हो, खिलवाड़ हो जाता है सामने वाले का। ये देखिए बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। आखिरी गेंद के ऊपर वो केस चेंज ऑफ पेस किया, गति परिवर्तन किया, धीमी गति की गेंद फेंकी। पानी घेऊन जायचं मैदान मध्ये। स्वयंसेवकांना विनंती असेल आणि डीजे मास्टरला संधी असेल हलक्या आवाजात गाणे लावायचे, हलक्या, शोर नको, दुपारचं सत्र आहे। माननीय कवळेवाडीचे ग्रामस्थ नामदेव वाघ साहेब यांचं या ठिकाणी स्वागत होईल आणि त्यांनी या स्पर्धेसाठी 200 रुपयाचं योगदान दिलंय। तुमचे सरपंच साहेब त्यांचे या ठिकाणी यथोचित सत्कार करतील। नामदेव वाघ साहेब नक्कीच अशा या दानशूर व्यक्तींचा बोलबाला व्हायलाच पाहिजे खरोखर। हेलो हेलो। निश्चित तौर पे गोंदाव गांव के दो नामचीन इंसान कल्पेश पाठारे और हर्षल पाठारे, इनके माध्यम से इस श्रृंखला के लिए शुभकामना आ चुकी है सरपंच ट्रॉफी 2023 में। तो सभी आपके लिए मैं एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। कल्पेश पाठारे और हर्षद पाठारे साहब, इन्होंने शुभकामनाएं दी है इस बार भी अपील किए चेंज ऑफ पेस, लेकिन नकारा अंपायर ने, शायद लेग स्टिक के बाहर गेंद थी ऐसा उनका मान। जी हाँ बिल्कुल, बल्ले का एज लगा, एज लगा बल्ले का, लेकिन फिर किस रन फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर 21 लॉस ऑफ 1 विकेट। अच्छी शुरुआत जरूर है इस बार। खराब गेंदबाजी, एक और वाइट का इशारा, वाइट के साथ 22 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। और ये तीसरा ओवर है जी बिल्कुल। अगर बात की जाए चव्हाणवाड़ी टीम के गेंदबाजों की, तो 5 वाइड 5 अतिरिक्त रन आए हैं इस मुकाबले में, इस पहली पारी में। ऐसी गलतियां आप नहीं कर सकते, सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करनी होगी। बड़ा मुकाबला है, बड़ा मंच है अक्रॉस द लाइन इस बार खेलने की कोशिश, लेकिन खराब शॉट सिलेक्शन वहां पे खराब था उनका। जी बिल्कुल, जो मुकाबले में अभी चव्हाणवाड़ी टीम खेल रही है, टॉस जीत के फील्डिंग करने का निर्णय उन्होंने लिया है, उनके लिए शुभकामना आई है थाना के तरफ से। मारुति दादा आरड़, इनके आरड़े, इनके द्वारा शुभकामना आ चुकी है। थैंक यू, धन्यवाद। इस बार सिंगल निकाल है, सिंगल के साथ एक बार फिर से स्ट्राइक के ऊपर, स्कोर बोर्ड के ऊपर तब्दील 23 लॉस ऑफ 1 विकेट। ये तीसरा ओवर है,
धीमा खेल यहाँ पे देखने को मिला। दोपहर का सत्र है, सूरज सर के ऊपर थोड़ा कठिन होता है खेलने के लिए दोपहर के सत्र में, क्योंकि सूरज की किरणें जो है वो तकलीफ देती है खिलाड़ियों को, इसलिए कैप्स पहन के मैदान के अंदर जाते हैं सभी खिलाड़ी। यहाँ पे क्रॉस लाइन फिर से एक बार बैक ऑफ हैंड गेम थी, खड़े खड़े खेलने की कोशिश। इस गेंद को अगर आप फ्रंट फुट पे जाके खेलते, कदमों का इस्तेमाल करते तो शायद गेंद और बल्ले का संपर्क हो सकता था, लेकिन अच्छी सोच के साथ गेंदबाजी हो रही राज द्वारा। पिछले मुकाबले में हमने देखा था राज ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। देखिए लोअर फ्लोर ऑफ गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन ये दूसरे रन के लिए दौड़ गए थे, आत्मदहन कर लिया यहाँ पे बल्लेबाज ने। विकेट मिलेगा क्योंकि रनआउट के रूप में विकेट आ चुका है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी सोच राज की, फुल टॉस गेंद जरूर थी लेकिन लोअर फुल टॉस थी। पेस ऑफ चेंज, गति परिवर्तन किया, थोड़ी सी धीमी गति से फेंकी गेंद फुल टॉस और उसका फायदा नहीं उठा पाया। गेंद गैदर कर लिया वहां पे मिड विकेट की दिशा में और एक विकेट मिला। डीजे या कार्यक्रमाला लाभलेले पाहुणे श्री प्रदीप लिमये सर यांच्याकडून आमच्या मंडळाला 1000 रुपयाची सदिच्छा भेट आहे। लिमये सरांकडून रोशन सर कॅरी ऑन। ये देखिए राज की अगली गेंद, बल्लेबाज ने बल्ला घुमाया, क्या वहां पे पहुंच पाएंगे? जी नहीं, डाउन द ग्राउंड, आउट ऑफ द पार्क, दन बनाता छे डीजे। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर 30 रन लग चुके हैं, 10 रन प्रति ओवर औसत की ये रन रेट देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए बल्लेबाजी करने वाली टीम देववाड़ी, अच्छा एक शॉट हमने देखा था पिछली ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर, करारा प्रहार किया था डाउन द ग्राउंड आउट ऑफ द पार्क, वो छक्का आ चुका था। छक्के के बदौलत 30 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर एक विकेट के नुकसान पे आखिरी ओवर लेके स्लॉग ओवर जिसे कहा जाता है यश। ये देखिए करारा प्रहार जरूर, लेकिन क्या फील्डर पहुंच पाएगा? पहुंचे थे लेकिन उसके गेंद के आगे चले गए, गेंद पीछे रह गई। स्कोर का के ऊपर रन बन चुके हैं 32 रन, ये आखिरी ओवर है लॉग ओवर कहा जाता है। इस ओवर में अक्सर लंबे हिट आने की आशंका होती है, खौफ पैदा होता है इस ओवर में गेंदबाजों के लिए। ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, खराब गेंद थी, अगर छोड़ते तो निश्चित तौर पर वाइड मिल सकता था, अगर दिशा दिखा दे तो चौका मिल सकता था, लेकिन एज लगा, अंदरूनी किनारा लगा, इसकी वजह से वो फर्स्ट स्लिप के खिलाड़ी ने गैदर किया, गेंद को सिर्फ मिलेगा सिंगल 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 के साथ 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर एक विकेट के नुकसान पे। देखिए संघर्ष करना होगा, मैं हमेशा कहता हूं हथियार नहीं डालने की, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर के चलती है, चढ़ती दीवार पे 100 बार फिसलती है, मेहनत तो उसकी जाया नहीं जाती क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार नहीं माननी है, संघर्ष करते रहना है।
क्रिकेट के मैदान में अगर जीतोगे तो इतिहास ही बनेगा, हारोगे फिर भी इतिहास ही बनेगा। बहुत गजब का खेल है ये क्रिकेट, अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल। यहाँ पे थोड़ा सा धीमा खेल देखने को मिल रहा है, स्कोरबोर्ड के ऊपर थोड़ी सी तब्दीली। 34 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके, दूसरी की मांग जरूर की थी लेकिन पीछे वापस धकेल दिया बल्लेबाज विशाल और विलास। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, बैक ऑफ गेंद डाली थी वहां पे, अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। लॉन्ग ऑन के रीजन में सिर्फ सिंगल मिला, यकीनन दो रन बचाए। इस गेंद के ऊपर बात की जाए तो आखिरी ओवर जिस तरीके की होती है बल्लेबाजों के लिए वैसा देखने को नहीं मिला है, क्योंकि अंकुश लगा के रखा है गेंदबाज यश ने। अगली गेंद, ये देखिए वहां पे हवा में गेंद लहरा रही है, फील्डर वन बाउंस गैदर करेंगे तब तक दो रन मुकम्मल। जी हाँ बिल्कुल, अच्छी सोच, जो आई कांटेक्ट होता है दोनों खिलाड़ियों के बीच में, विकेटों के बीच में जो दौड़ लगाई है, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। तो इस दो रन के बदौलत 37 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 37 लॉस ऑफ टू विकेट्स। इसके बाद जो मुकाबला होगा आसिफ इलेवन बनाम आप्टी के बीच में, ये मुकाबला है। दोनों टीम के कप्तानों को गुजारिश करना चाहूंगा कि एक इनिंग खत्म होने से पहले आप टॉस के लिए यहाँ पे आना है। ये अच्छी गेंद थी, जड़ में गेंद थी, पेस ऑफ चेंज देखने को मिला। हम क्रिकेट के इतिहास में अगर देखा जाए तो सबसे जहरीली गेंद यॉर्कर गेंद अगर सटीक लाइन और लेन के साथ गिरे तो फिर निश्चित तौर पे वो शिकार पक्की है। ओवर की समाप्ति का इशारा आ चुका है, चार ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 24 गेंदों के ऊपर बना है 39 रन, जीत के लिए 24 गेंदों और 40 रनों की आवश्यकता। ओवर टू माइक संदीप सर, तब तक डीजे के लिए एक मौका देना चाहूंगा। कैरे साहब, जिल्हा परिषद रायगड, जिल्हा परिषद विद्यमान सदस्य, व्हाइस चेअरमन आरडीसी बँक यांचा या ठिकाणी यथोचित सन्मान होत आहे। टाळ्यांच्या गजरात सुरेश कैरे यांचा सन्मान होत आहे। पुष्पगुच्छ मायेचे उपदार शाल देऊन या ठिकाणी साहेबांचा सन्मान होत आहे। साहेब असंच प्रेम आमच्या मंडळावरती, आमच्या भास्कर दादांवरती, आपला अखंड राहू द्या ही सदिच्छा। यानंतर आमचे मार्गदर्शक किसन उमटे काका, खरेदी विक्री संघ सुधागड, खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष श्री किसन उमटे काका यांचा या ठिकाणी यथोचित सन्मान होतोय। भास्कर दादा पार्टे यांच्या हस्ते मायेचे उपदार शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन किसन दादा पार्टे, किसन दादा उमटे यांचा सत्कार होतोय। धन्यवाद किसन दादा उमटे, आपलं मार्गदर्शन नेहमीच आम्हाला लाभलेलं आहे। त्यानंतर श्री विठ्ठल अण्णा शिंदकर, परळी गावचे ग्रामस्थ, चिटणीस शेतकरी कामगार पक्ष विठ्ठल अण्णा शिंदकर यांचा देखील या ठिकाणी यथोचित सन्मान होत आहे। परळी विभागातील एक भारदस्त व्यक्तिमत्व याचा या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून, या स्पर्धेच्या माध्यमातून या ठिकाणी यथोचित सन्मान होत आहे। भास्कर दादा पार्टी यांच्या शुभ हस्ते पाहुण्यांचा सन्मान होत आहे। धन्यवाद शिंदकरांना। यानंतर आमचे मित्र आणि 20-22 वर्षापूर्वी ज्यांनी क्रिकेटचे सामने खेळवायला सुरुवात केली, टूर्नामेंट भरवायला सुरुवात केली, असे भैरव गावचे ग्रामस्थ आतिश दादा साबळे, पुरोगामी युवक संघटना अध्यक्ष सुधागड आतिश दादा साबळे यांचा या ठिकाणी यथोचित सन्मान होतोय। अतिशय चांगलं व्यक्तिमत्व आतिश दादा साबळे, सहकार्याची भावना नेहमीच असते पुरोगामी युवक संघटनेच्या माध्यमातून, त्यांच्यातर्फे अनेक चांगली कामं पार पडतात, असे अतिश दादा साबळे यांचा या ठिकाणी सत्कार होतोय भास्कर दादा पार्टी यांच्या हस्ते।
धन्यवाद सर्व पाहुण्यांचं मनपूर्वक आभार। आपण आलात या कार्यक्रमाला, कार्यक्रमाची शोभा वाढवलीत, आपलं मनपूर्वक आभार। आणि खांडपोली गावचे आमचे उपसरपंच श्री श्रीधरदादा सावंत यांच्याकडून या कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी 1000 रुपये 2000 रुपयाचे देणगी आलेली आहे, सदिच्छा भेट आली आहे, त्यांचं देखील मनपूर्वक आभार। रोशनजी थैंक यू। अगर सर महाराष्ट्र के अगर इतिहास की बात की जाए तो हमारे संस्कार यही सिखाते कि मेहमानों की मेहमान नवाजी होने बहुत जरूरी है। देखिए मुकाबले के अंदर चलते देवीवाड़ी बनाम सवनवाड़ी टीम के बीच में ये मुकाबला, ये घमासान, ये शानदार कारवा हमें देखने को मिला। 80 पिलियन संघाचा कर्णधार आणि आपटी संघाचा कर्णधार, दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती असेल की नाणेफेकीसाठी यायचे। आपटी संघाचा कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित आहे, नाही नाही, आपटी संघाचा कर्णधार यायचे आणि 80 पिलियन संघाचा कर्णधार प्लीज कम ऑन द स्टेज, यानंतर आपला सामना असेल। चलिए पहला मुकाबला, पहला रन की कोशिश, लेकिन रोक लगा वहां पे वसन स्ट्राइकर इन पर, जो पिछले मुकाबले के हीरो थे। और चलिए इस बीच श्री गणेशा हो चुका है, इसी तौर पर इस श्रृंखला का वैशिष्ट यही है कि मेहमान का प्यार, मेहमानों की मोहब्बत इस सरपंच साहब के तरफ देखने को मिली है दो दिन से। लोअर फील्ड टॉस, इस बार नो मैन लैंड्स में गेंद गिरेगी, वन बाउंस गैदर करेंगे फील्डर। जी हां बिल्कुल, तब तक सिंगल मुकम्मल, सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड के ऊपर 2 रन आ चुके हैं। 40 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए सलामी तौर पर तो बल्लेबाज वसंत और विकास 3 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। माफी चाहूंगा, पिछले गेंद के ऊपर 2 रन आए थे और अच्छी सोच के साथ सूझबूझ भरी पारी देखने को मिल रही है। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, हाथ खोलने का मौका बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं दे रहे बल्लेबाजों को। पता है बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन फिर भी फाइटिंग टोटल में कहना चाहूंगा 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से बनाने हैं। 40 रनों का पीछा करना, 39 बनाए थे, कंपलसरी चेजिंग ये श्रृंखला का नियम होने की वजह से 40 रन बनाने हैं आपको। ये देखिए इस बार हालांकि सिंगल सिंगल मिला, सिंगल के साथ एक बार स्ट्राइक रोटेट करते हुए अच्छा क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अच्छा क्रिकेट, सूझबूझ भरी पारी, संभल के खेल रहे। कड़क स्ट्रोक यहाँ पे, इस बीच चौका आ चुका है, चौका बटोर लिया है वसंत ने, वसंत ऑन फायर, सॉरी विकास, इस बार विकास के बल्ले से ये करारा चौका आ चुका है, चौके के बदौलत निश्चित तौर पर 9 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर है बगैर किसी नुकसान के। ओवर की समाप्ति के बाद 9 बगैर किसी नुकसान के 9 रन, अभी भी 31 रनों की आवश्यकता, 18 गेंदों के ऊपर 31 रनों की जरूरत जीत के लिए टीम चवनवाड़ी के लिए।
18 गेंदों के ऊपर 31 समूह की आवश्यकता, 18 चेंडू मध्य 31 धावान की गरज असेल ती चव्हाणवाडी संघाला। इस बार गेंदबाज एकीप छोड़ते अविनाश, याची गेंद तेज तर्रार फेंकी थी और चकमा दे दिया बल्लेबाज को, यहां पे पहली बार विकेट का पतन, पहला झटका और वसंत बैक टू पवेलियन डीजे। स्पीड अप करना है, जल्द से जल्द स्पीड अप। वसंत के विकेट के बाद उनकी जगह संभालेंगे रवि। 31 रनों की अभी भी दरकार यहां पे। स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन बन चुके हैं। यह दूसरा ओवर है, बेहतरीन ओवर, पहली गेंद के ऊपर विकेट निकाला, क्लीन बोल्ड का शिकार बने वसंत और अच्छी गेंदबाजी अविनाश द्वारा। हेलो हेलो, या ठिकाणी हॅलो हॅलो, सन्मान होईल ते आमचे जयंत भाऊ एरणकर तर मंडळाच्या सभासदांना विनंती करतो, ज्ञानेश्वर कदम यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांच्या शुभ हस्ते त्यांचा ट्रिपल शॉट होऊन स्वागत करायचं आहे। या ठिकाणी स्वागत होतोय जयंत भाऊ एरणकर यांचा। हॅलो, तरी मंडळाच्या सभासदांना विनंती, त्यांचं सुद्धा श्रीफळ शाल देऊन या ठिकाणी स्वागत होईल, त्यांनी स्वीकार करायचं आहे। स्कोर बोर्ड के ऊपर आ चुके 10 धावा धाव फलका लगल, दोन खेळाडू या ठिकाणी बाद झालेत ते टीम चव्हाणवाडी संघाचे। थोडेसे बॅकफुट वर पाहायला मिळतो या वेळेस, कारण या मॅचचा हिरो, मागच्या मॅचचा हिरो वसंत हा आउट होऊन तंबूत परतला, थोडस प्रेशर मध्ये असतील, लेकिन संघर्ष करना होगा, क्योंकि मैं कहता हूं जंगल में एक सुबह जब एक हिरण जागती है तो वो सोचती है अगर मैं जी जान से नहीं भागी तो मैं भूखी मर जाऊंगी, वही दूसरी तरफ शेर जागता है तो वो सोचता है कि अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरण, भागना तो पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, हथियार नहीं डालने। अगली गेंद, ये अच्छी गेंद, लेकिन चेंज ऑफ पेस या तो वाइड करार दिए गए क्योंकि ऑफ स्टिक के काफी बाहर की गेंद थी, पनिशमेंट मिली अंपायर द्वारा, तो व्हाइट का इशारा, व्हाइट के साथ 11 रन स्कोर बोर्ड पे आ चुके, लॉस ऑफ 2 विकेट 11। यावेळेस सुरत फटका आपण पाहतो, सुंदर क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी पाहायला मिळते। यावेळेस सुरेख चेंडू अडवलाय, मात्र धाव फलकावरती बदल थोड़ा सा आपण पाहतो, 12 धावा धाव फलकावरती लागला, 2 विकेट या ठिकाणी 2 विकेटच्या बदलात चव्हाणवाडी संघाचे थोडेसे पडझड या ठिकाणी पाहायला मिळते। यावेळेस सुद्धा सुरेख चेंडू
अचूक टप्प्याची गोलंदाजी किचन मारा करते या ठिकाणी गोलंदाज अविनाश पहिल्या चेंडूवरती विकेट मिळवला होता दुसरा चेंडू वाईट तिसरा चेंडू डॉट चौथा चेंडूवरती विकेट पाचव्या चेंडूवरती सुद्धा या ठिकाणी वाईड आला होता सहाव्या चेंडूवरती सिंगल आणि आता मात्र शून्य अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळते ती शॉर्टपिच चेंडू होता अख्खा टप्प्याचा चेंडू आणि 55 वाईड घोषित केला या वाईडच्या मदतीने पुन्हा एकदा 13 धावा फलकावरती लागल्यात थोडीशी संत गतीने सुरुवात 40 धावांचा पाठलाग करत असताना टीम चव्हाणवाडी आपण पाहतोय यावेळेस सुरेख फटका हवाई फायर आणि दणदणीत षटकार अशा फटक्यांची गरज येते टीम चव्हाणवाडी संघाला डीजेला एक संधी असेल डीजे पाणी घेऊन जायचे मैदान या संपूर्ण टूर्नामेंट साठी लाभलेले देणगी दाते सुरेश खैरे यांच्याकडे या मंडळाला 2500 रुपयाची देणगी आलेली आहे तसेच वामनजी माडे यांच्याकडनं 201 रुपयाची देणगी आलेली आहे किसनजी पाटेकर यांच्याकडनं सुद्धा या मंडळाला 501 रुपयाची अशी भरघोस देणगी आलेली आहे भाई मालुसरे यांच्याकडे सुद्धा या मंडळाला 1001 रुपयाची देणगी आलेली आहे हेमंतजी पाटील यांच्याकडे सुद्धा या मंडळाला 2001 रुपयाची देणगी आलेली आहे वैभवजी पवार ग्रुप ग्राम पंचायत महागाव उपसरपंच यांच्याकडे या मंडळाला 5000 रुपयाची देणगी आलेली आहे महेशजी देशमुख यांच्याकडे या मंडळाला 501 रुपयाची देणगी आलेली आहे मंगेशजी देशमुख यांच्याकडे सुद्धा या मंडळाला 501 रुपयाची देणगी आलेली आहे बलराम दळवी कडकराई यांच्याकडे या मंडळाला 1001 रुपयाची देणगी आलेली आहे तसेच चंदरगाव भजनी मंडळ अत्यंत आमच्यावरती प्रेम करणारी मंडळी यांच्याकडनं सुद्धा या मंडळाला 2001 रुपयाची देणगी आलेली आहे नरेशजी हंबे यांच्याकडनं 101 रुपयाची देणगी प्राप्त झालेली आहे गणेश किसन पाटेकर ग्रुप ग्राम पंचायत चंदरगाव उपसरपंच यांच्याकडनं या मंडळाला 1011 रुपयाची देणगी प्राप्त झालेली आहे तुळशीराम दोरे यांच्याकडनं 101 रुपयाची देणगी आलेली आहे किसनजी गवर्न यांच्याकडनं सुद्धा या मंडळाला 1001 रुपयाची देणगी आलेली आहे खेमा दोरे यांच्याकडनं या मंडळाला 201 रुपयाची देणगी आलेली आहे गोरुले यांच्याकडनं या मंडळाला 201 रुपयाची देणगी आलेली आहे चिंतामण माळे यांच्याकडनं सुद्धा या मंडळाला 101 रुपयाची देणगी प्राप्त झालेली आहे सुनीलजी भोगे चंदरगाव यांच्याकडनं सुद्धा या मंडळाला 501 रुपयाची देणगी प्राप्त झालेली आहे विलासजी राठोड पाडगाव यांच्याकडनं सुद्धा या मंडळाला 2001 रुपयाची देणगी प्राप्त झालेली आहे तसेच विनोदजी राठोड यांच्याकडनं सुद्धा या मंडळाला 2100 रुपयाची देणगी प्राप्त झालेली आहे दत्तूशेठ फंश यांच्याकडनं आमच्या या मंडळाला 101 रुपयाची देणगी प्राप्त झालेली आहे मारुती माडे यांच्याकडे सुद्धा या मंडळाला 101 रुपयाची देणगी प्राप्त झालेली आहे रमणजी पार्टे यांच्याकडनं सुद्धा या मंडळाला 501 रुपयाची अशी भरघोस देणगी प्राप्त झालेली आहे पद्माकरजी भला कवलवाडी यांच्याकडनं सुद्धा या मंडळाला 501 रुपयाची देणगी प्राप्त झालेली आहे नामदेव वाघ यांच्याकडनं सुद्धा या मंडळाला 201 रुपयाची देणगी प्राप्त झालेली आहे तसेच डॉक्टर साहेब आमचे काका यांच्याकडे सुद्धा या मंडळाला 1001 रुपयाची देणगी प्राप्त झालेली आहे यावेळेस जोरकस प्रहार परंतु क्षेत्ररक्षक तैनात आणि यावेळेस सुद्धा विकेट मिळतोय थँक्यू गोलंदाज महेंद्रला या ठिकाणी खानपोली ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच श्रीधर सावंत साहेब यांच्याकडे सुद्धा या मंडळाला 2001 रुपयाची देणगी प्राप्त झालेली आहे अतिजी सागरे यांच्याकडनं या मंडळाला 501 रुपयाची देणगी प्राप्त झालेली आहे विठ्ठलजी शिंकर यांच्याकडनं सुद्धा या मंडळाला 1001 रुपयाची देणगी प्राप्त झाली आहे तसंच किसनजी पाटेकर यांच्याकडनं सुद्धा या मंडळाला 1001 रुपयाची धावा धाव फलकावरती लागली प्राप्त झालेली आहे विजयासाठी अजूनही 21 धावांची गरज असेल तसेच जयवंजी येळकर यांच्याकडनं सुद्धा या मंडळाला 501 रुपयाची देणगी प्राप्त झाली आहे सर्व देणगी दात्यांचे उदार देणगी दात्यांचे मंडळ सतत ऋणी आहे ऋणी आहे ऋणी हॅलो थँक यू हॅलो काश्रमजी निर्गुळे यांच्याकडे सुद्धा या मंडळाला 501 रुपयाची देणगी प्राप्त झालेली आहे मंडळ त्यांचं सदस्य ऋणी आहे ऋणी आहे ऋणी इस बार 21 रनों की आवश्यकता होगी 19 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लग चुके और दो विकेट गवा रही है टीम
चव्हाणवाड़ी टीम के बल्लेबाजों को इस बार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज प्रदीप यावेळेस चार धावा जोडल्या जातील धावफलकावरती स्कोरबोर्ड के ऊपर 23 धावा दाखल करते लागले जोर कसदार डावकर हाताचा फलंदाज परंतु काय ला जवाब कैच पकड़ या ठिकाणी अप्रतिम झेल आपण म्हणूयात षटकारच होता असं एक एकंदर वाटलं होतं परंतु हवेचा रूप थोडासा त्या बाजूने बदलला आणि सुरेख झेल आपण पाहतो या ठिकाणी अजून एक विकेट प्रदीप ने एक चौकार मारला होता दुसरा षटकार होता परंतु त्या ठिकाणी प्रेक्षक आम्हाला सांगतात की हा बाद है अप्रतिम झेल या ठिकाणी पकडला गेला यश विकेट नंतर थोडेसे पडझड थोडेसे नाराज आपल्या खेळवरती असणार नक्कीच 23 धावा धावफलकावरती लागला चला आसिफ इलेवन संघाचा कर्णधार जर आला असेल तर नाणेफेकीसाठी यायचे आसिफ इलेवन वर्सेस आपटी 23 धावा धावफलकावरती लागला पुढचा चेंडू यावेळेस हलक्या हाताने खेळून काढला खराब क्षेत्रक्षण सिंगल मिळेल दुसऱ्याचा प्रयत्न आला आणि दोन धावा पूर्ण झाल्यात अशा वेळेस दोन धाव्याने धावसंख्या धावफलक हलतो 25 धावा धावफलकावरती लागला त्यानंतर होणारा सामना असेल आपटी वर्सेस आसिफ इलेवन पळली दोन्ही संघाच्या खेळाडूंना विनंती असेल कर्णधारांना विनंती असेल की नाणेफेकीसाठी यायचे यावेळेस महेंद्र फुल टॉस चेंडू पूर्ण पूर्ण फायदा उठवला गेला नाही यावेळेस सुरेख चेंडू होता परंतु पंचांना नो घोषित केला यावेळेस ओव्हर हाईट बीमरच्या स्वरूपात या ठिकाणी नो चेंडू असेल नो 26 धावा धावफलकावरती लागतील आणि यावेळेस चेंडू असेल तो फ्री हिटचा चेंडूवरती फायदा उचलेल का फलंदाज स्वप्नील राज सॉरी यावेळेस सुद्धा सुरेख फटकानं फ्री हिटचा चेंडू होता परंतु सिंगल मध्ये सिंगल धावफलक हरेल 27 धावा धावफलकावरती लागला तीन षटकांचा खेळ संपला 18 चेंडूंचा खेळ संपला 6 चेंडू शिल्लक आणि 13 धावांची आवश्यकता 6 चेंडूवरती 13 धावांची आवश्यकता असेल ती विजयासाठी नक्कीच एक चेंडू शिल्लक आहे बॉल टू बॉल सांगतो मी एक मिनिट थांबा पहिला बॉलला विकेट दुसऱ्या ओव्हरला चौकार ओव्हर झालो
नक्कीच अतिशय दक्ष असे पंच आमचे विनोद देशमुख आणि भगवान आणि यावेळेस आता मात्र समीकरण बदलते. सहा चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. सहा चेंडूमध्ये विजयासाठी गरज असेल ती 13 धावांची. म्हणजे सामना अजून कोणीही जिंकलेला नाही. सामना बॅलन्स आहे पूर्णपणे. एक मोठा षटका या ठिकाणी मॅचची हवा घालवेल. परंतु तो षटका येईल की डॉट बॉल येईल की विकेट येईल हा येणारा वेळ सांगेल. शेवटचं षटक हाताळतो यावेळेस गोलंदाज तुळशीराम सकपाळ. बरोबर ना? जोर कस मारण्याचा प्रयत्न परंतु ब्लाइंड शो या ठिकाणी आपण पाहतोय. मी नेहमी म्हणतो की गोलंदाजांना जर बचावात्मक भूमिका घ्यायची असेल तर ऑफ स्टिक आणि वाईड लाईनच्या मध्ये चेंडू टाका. म्हणजे सेफ चेंडू असेल तो. आणि यावेळेस तेच करण्याचा प्रयत्न यावेळेस तुळशीरामनं केलाय. सर एक चेंडू टाकलाय आता मात्र. पाच चेंडू मध्ये 13 धावांची आवश्यकता असेल विजयासाठी. अजूनही मुकाबला बॅलन्स. यावेळेस सुद्धा सुरेख चेंडू. चेंज ऑफ पेस. कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना. अको टप्प्याचा चेंडू होता. बॅटचा फ्लोप सुरुवातीला आला त्यामुळे चेंडू काही समजला नाही. बॅकफुट वर खेळण्याचा प्रयत्न केला. फ्रंट फुट वर जाऊन खेळला असता तर नक्कीच मोठा षटका या चेंडूवरती आला असता. आता मात्र चार चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता. सुरेख गोलंदाजी हाताळतो तुळशीराम. विचारपूर्वक अचूक पत्त्याची गोलंदाजी या ठिकाणी. टिच्छून मारा यावेळेस मात्र दिशाहीन गोलंदाजी. पुन्हा एकदा लेग स्टिकच्या बाहेर संपन्ने इशारा केलाय व्हाईटचा. व्हाईटच्या सहाय्याने आता चार चेंडू आणि 12 धावांची आवश्यकता असेल. उर्वरित चार चेंडू आणि धावसंख्येत 12 धावांची गरज चार चेंडू मध्ये. यावेळेस अपील परंतु उत्साह जास्त आणि आत्मविश्वास कमी होतो या अपील मध्ये. परंतु हरकत नाही. तीन चेंडूंचा खेळ आता शिल्लक असेल. तीन चेंडूंमध्ये 12 धावा म्हणजे दोन कंपल्सरी षटकार किंवा तीन चौकार येणं गरजेचं आहे. अशी फिलेवन संघाच्या कर्णधाराला विनंती असेल की नाणेफेकीसाठी यायचंय. आपटीचा कर्णधार जवळपास एक तास तशी येऊन थांबलाय. खराब चेंडू खराब चेंडू परंतु वन बाउन्स जाणार चौकार की अडवणार. सुरेख क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. तत्पूर्वी दोन धावा आल्यात. आता 10 धावांची आवश्यकता असेल दोन चेंडूंमध्ये. खराब चेंडू होता परंतु त्या ठिकाणी त्याला व्यवस्थितरित्या खेळून काढता आला नाही. दोन चेंडू आणि 10 धावांची गरज. बारा 10 धावांची आवश्यकता असताना एज लागली यावेळेस. बाद आता एक चेंडू 10 धावा म्हणजे सामना झुकलाय पूर्णपणे तो देऊळवाडी या संघाकडे. कारण एक चेंडूंचा खेळ बाकी आणि 10 धावांची आवश्यकता असेल. योगेश सरांना विनंती असेल आमचे सहज कॉमेंटेटर. योगेश सर माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर समालोचन कक्षामध्ये यायचं. यापुढील होणारा सामना आसिफ इलेव्हन वर्सेस आपटी या दोन संघादरम्यान खेळला जाईल. आपटी म्हणजे हा खालापूर तहसील मध्ये एक संघ. खूप नावाजलेला संघ असा मानला जातो. आणि या संघाची कर्णधार धुरा सगळी असते ती म्हणजे आमचे मित्र. एक बॉल बाकी आहे. तुमचंही लक्ष असू द्या मैदानाकडे. एक चेंडू शिल्लक आहे. एक चेंडू 10 धावा असताना आता वाजवा. चला विजयी तसेच पराभूत संघाचे हार्दिक अभिनंदन. आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून सर्वांचं सहर्ष स्वागत. पुन्हा एकदा मी रोशन पाटील. या ठिकाणी पुढचा सामना आणि कोच आपली टीमचे मेंटॉर सर्वा सर्वे या ठिकाणी प्रवीणजी उपस्थित आहेत. त्यांना सुद्धा मी या ठिकाणी स्पर्धेच्या माध्यमातून शब्दसुन्याने त्यांची स्तुती करेन. असे फिलेवन संघाच्या कर्णधाराला विनंती असेल की नाणेफेकीसाठी यायचे. तसेच आपटी संघाचा कर्णधारच का 15 पोर या ठिकाणी उपस्थित आहेत.
शिवशक्ति परले संघ या ठिकाणी उपस्थित होतो। मैन ऑफ द मैच का खिताब जातो विलास 17 धावांची ताबडतोब बल्लेबाजी त्यांच्या द्वारे आपण बघितला। लिमय सर यांच्या शुभ हस्ते आपण त्यांना सन्मानित करणार आहोत। हॅलो विलास, हॅलो विलास, या ठिकाणी लिमय सरांच्या शुभ आपण त्यांना या ठिकाणी सन्मानित करणार आहोत।